हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स कुक विद सौम्या में। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, इजी और क्विक रेसिपी कोथम्बीर वड़ी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और साथ ही ये बहुत ही झटपट बन जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोथम्बीर वड़ी बनाना। इसके लिए सबसे पहले हम हरा धनिया लेंगे। इसे हमने अच्छी तरह से धोकर सुखा कर फिर इसे हमने बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है और ये तकरीबन 2 कप फ्रेश कोरिएंडर है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप बेसन और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप चावल का आटा। जितना आप बेसन लोगे उसका हाफ आप चावल का आटा लीजिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून तिल, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और अब एंड में हम इसमें डालेंगे नमक स्वादानुसार। अब इन सबको हम अच्छी तरह से हाथ से मिला लेंगे। जैसे हमने अच्छी तरह से हाथों से मिला लिया है, अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका अच्छा सा एक डो बनाएंगे। सी फ्रेंड्स, हमने धनिया को पहले ही अच्छे से धोकर सुखा लिया था जिससे कि उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं था। अगर धनिया में पहले से मॉइस्चर होता तो आपको इसमें पानी डालकर गूंदने की ज़रूरत नहीं होती थी, वो मॉइस्चर से ही ये गूंद जाता था। सी फ्रेंड्स, हमने इसका एक अच्छा सा डो बना लिया है। अब हम इस डो के छोटे छोटे, इस तरह से छोटे छोटे बॉल लेकर हम इसको सिलेंडर का शेप देंगे। सी फ्रेंड्स, हाथों से प्रेस करते हुए हम इसे बिल्कुल एक बेलन बेलन की तरह शेप देंगे। ये जो शेप है आप अपने अपने इच्छा अनुसार आप छोटा या बड़ा, मोटा या पतला ले सकते हैं। और एक तरफ हमने एक बर्तन में अच्छी तरह से तेल ग्रीस कर लिया था और इसके अंदर हम ये रखते जाएंगे। सी फ्रेंड्स, ये हमने सारे डो का बेलन बेलनाकार बड़ी बना लिया है। अब एक तरफ हमने एक बड़े वेसल में पानी उबलने के लिए रखा था और अब हम उसके ऊपर ये बर्तन रख देंगे और इसे हम ढककर तकरीबन 20 मिनट तक पकाएंगे। सी फ्रेंड्स, आफ्टर 20 मिनट्स के बाद देखो ये अच्छी तरह से पक चुके हैं और कड़क हो गए। अब हम इसे ठंडा होने पर इसे इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तरफ हमने पैन में तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया था, तेल गर्म है। अब इसके अंदर हमने ये जो कोथम्बीर वड़ी को कट किया है इसे हम इस तेल में अच्छी तरह से हल्का सुनहरा होने तक आगे पीछे करते हुए तलेंगे। जी फ्रेंड्स, इसे आप शैलो फ्राई भी कर सकते हो बट ये तेल में डीप फ्राई करने से ये बहुत ही अच्छी क्रिस्पी और टेस्टी बनती है। जी फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से हल्की सुनहरी हो चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारी कोथम्बीर वड़ी रेडी है सर्व करने के लिए। फ्रेंड्स, इसे आप टमाटो सॉस के साथ खाइए या तो फिर आप इसे हरी चटनी के साथ भी खा सकते हो। आप इसे कैसे भी खाइए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी होती है। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे अपने घर में ट्राई कीजिए, खुद खाइए, दूसरों को खिलाइए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।